अस्सलामुअलैकुम जी। फंडामेंटल ऑफ फिजिक्स सैलिडे रेजनिक वालकर का 10th एडिशन है, चैप्टर 22 इलेक्ट्रिक फील्ड प्रॉब्लम 25। हमें फिक दी गई है 22.49, जिसमें तीन सर्कुलर आर्क हमें दिखाई जा रही हैं, जिनका सेंटर्ड ओरिजिन कोऑर्डिनेट सिस्टम है। वो कहता है हर आर्क पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज है, 2 माइक्रोकूलम क्यू की वैल्यू मानो, आर की वैल्यू 10 सेंटी मानो, फिर 10 सेंटीमीटर मैग्नीट्यूड बताना है, डायरेक्शन बताना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम पहली आर्क को लेते हैं, मगर इस आर्क को थोड़ा सा रोटेट कर लेते हैं वाई एक्सिस के इस जाने, तो आपके पास सिचुएशन कुछ यूं डेवलप हो जाएगी कि आपके पास ये आधी आर्क इधर और आधी आर्क इधर, उसी तरीके से कोई इसमें बदलाव नहीं किया हमने, या आप कह लो कोऑर्डिनेट्स ने डिजाइन कर लिए इसके इस तरीके से। अब क्या जनाब कि आपके पास मैंने एक पैच कंसिडर कर लिया, इस पैच की इलेक्ट्रिक फील्ड देखूंगा, फिर पूरे पाथ पे उसे इंटीग्रल कर लूंगा, तो उसी तरीके से भी बाकी भी निकल आएंगे। तो डी ई आप जानते हैं भाई के डी क्यू बाई आर स्केयर, आर हमें पता है, डी क्यू हमने इस पैच का देखना है, फिर हम जानते हैं चार्ज डेंसिटी आपके पास क्यू बाई एल आ जाएगी, यहाँ से लैम्डा हम देख सकते हैं कि भी क्यू की जगह लैम्डा एल लिखा जा सकता है, चूंकि चार्ज में चेंज है तो डी एल आ जाएगा आपके पास। इस डी एल के साथ हम एस इज इक्वल टू आर थीटा वाली सोच रख सकते हैं कि डी थीटा आपके पास आ जाएगा, आर कॉन्स्टेंट के तौर पर बाहर ले लेंगे। अब आपके पास अगर r r स्क्वायर से कट जाएगा तो k लैम्डा d थीटा बाई r, यहां से अब मुझे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड का पैच की इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई। पूरी आर्क की निकालनी हो तो मैं कहूंगा -5/2 से 5/2। ये 5 पिंक कलर में आपको एंगल दिख रहा है जो मैंने पूरी आर्क का कंसीडर किया है, तो आधी आर्क इधर है आधी आर्क इधर है, तो -5/2 इधर हो गया, 5/2 इधर हो गया, तो -5/2 से 5/2 की लिमिट है डी ई कॉस थीटा। कॉस थीटा कहां से आ गया? अब अगर आप देखो कि ये पॉजिटिव की फील्ड इस जानिब डायरेक्टेड होगी, इस पॉजिटिव की फील्ड इस जानिब डायरेक्टेड होगी, तो अगर हम फील्ड के कंपोनेंट बनाएं तो थीटा के सामने परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, तो ये कंपोनेंट एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करेंगे, सिर्फ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बचेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में कॉस आता है, तो डी ई कॉस थीटा एक दूसरे को सपोर्ट करेगा, तो मैंने डी ई कॉस थीटा डाल दिया। अब डी ई की वैल्यू पता थी वो लगा दी, कांस्टेंट बाहर लेके चले गए, कॉस थीटा डी थीटा, कॉस थीटा डी थीटा का इंटीग्रल उठाओगे, साइन थीटा, बाउंड्री कंडीशन लगाओगे, तो इस सारे को सॉल्व करेंगे 2 sin 5/2। अब अगर हम यहां से असल वाली तस्वीर पे जाएं वापस, तो ये 90 एंगल बनता है जो फाई मैंने कंसिडर किया था, आधी आर किधर थी आधी आर किधर थी, तो ये फाई आपके पास जो मैंने बनाया वो 90 डिग्री बांध रहा है, तो यहाँ पे मैंने फाई की जगह 90 रख दिया। साइन 45 कितना होता है 1/√2, इस सारे को लेके सॉल्व करेंगे k लैम्डा स्क्वायर रूट 2 बाई r आ जाएगा। लैम्डा की वैल्यू अगर दोबारा देखें तो लैम्डा होता है q बाई l, तो वो मैंने रख लिया कि पहली आर्क के लिए था q बाई l, l अगर आप देखो तो ये आधी आर्क का भी आधा है, यानी आर्क पूरे सर्कमफेरेंस का चौथा हिस्सा है, तो अगर आप 2π/r 4 करते तो ये π/r/2 बचता आपके पास, तो इसका मतलब कि हमने आर्क अगर आधी करें तो उसका सर्कमफेरेंस पाई आर, उस आधी की भी आधी करें तो पाई आर बाई टू, तो एल की जगह पाई आर बाई टू डल गया, ये 2 उठ के ऊपर चला जाएगा, इसको थोड़ा सा हम इस तरह लिख दे 2 को बाहर निकाल देंगे, तो आपके पास फर्स्ट आर्क आ जाएगा के क्यू 2√2πr². अब हमें पता लग गया पहली आर्क के लिए इस तरह का टूल बनता है, तो सेकेंड आर्क का भी इसमें चार्ज की जगह अगला चार्ज क्या है -q, उसका रेडियाई कितना है 2r, उस तरह लग जाएगा। थर्ड आर्क का देखो तो उसी तरीके से इस जगह पे 3 9q आ जाएगा और नीचे रेडियाई 3r आ जाएगा, तो आपने सिमेट्रिकल कंसेप्ट से वैल्यूज निकाल ली। अब इन टोटल चाहिए सारों को जमा कर देंगे, इसको पहली दूसरी तीसरी को, जो कॉमन फैक्टर है वो उनमें से कॉमन बाय निकाल लेंगे, रिमेनिंग अब आपके पास यहाँ पे 1 बचता है, तो अब आपके पास क्या है जनाब कि इस सारे को लेके सॉल्व करेंगे, इस सारे को लेके सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यूज क्यू की वैल्यू भी आर की वैल्यू भी, ये सारी वैल्यूज प्लेस कर देंगे, 1.62 × 10⁶ N/c आ जाएगा। अगर हम देखें ये पॉजिटिव है इसकी फील्ड भी इस जानिब होगी, नेगेटिव क्यू है इसकी अपवर्ड होगी, 9q की भी इस जानिब होगी, यानी आपके पास फील्ड इस जानिब डायरेक्टेड होगी, तो अगर आप देखें इस चीज को तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री सेंटर में आ रहा है, तो ये -45 बनेगा क्योंकि क्लॉकवाइज है, हमें काउंटर क्लॉकवाइज देखना था, तो आपके पास इस सेंस में हमसे बात कर सकते हैं। तो ये जनाब हमारे पास सोल्यूशन है, अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।